देखो, कल हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हुए उसे क्या किया था, डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने डिराइव किया था, है ना, यही किया था हमने। फिर मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अलावा भी ही हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं, ठीक है। और हम कौन सी इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं, कैलोमल इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं। हमें दूसरे इलेक्ट्रोड की देखो क्यों नीड हुई, क्योंकि आपका जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो एक गैस इलेक्ट्रोड है ना, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है वो। अब गैस इलेक्ट्रोड को यूज करने के लिए उसे बहुत ही केयरफुली यूज करना पड़ता है ना, क्योंकि देखो आपकी गैस की अगर थोड़ा सा भी गैस लीक हो जाएगी तो वो इलेक्ट्रोड खराब और आपके लिए भी डेंजरस हो सकती है तो हमें जो गैस इलेक्ट्रोड्स हैं वो बहुत केयरफुली यूज करनी पड़ती हैं, और इतनी आसानी से हम उन्हें अपने लैब, प्रैक्टिकल लैब जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं उनमें यूज नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, एक डिफरेंट इलेक्ट्रोड और चूज करी जिसको हम एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज कर सकें। तो वहाँ हमने कौन सी करी, कैलोमल इलेक्ट्रोड। अब देखो कैलोमल इलेक्ट्रोड का 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर डिफरेंट डिफरेंट KCl सॉल्यूशन यूज करते हैं तो उसका हम एक्यूरेटली रिडक्शन पोटेंशियल डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे देखो 0.1 नॉर्मल KCl पर 0.338 है, 1 नॉर्मल पे 0.280 है, और सेचुरेटेड पे कितना है, 0.2415, ठीक है। ये हमें तीन डिफरेंट KCl सॉल्यूशंस पर डिफरेंट एब्सोल्यूट रिडक्शन पोटेंशियल पता है। अब सिंपली हम जहाँ जैसे जैसे SHE यूज कर रहे थे, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की शॉर्ट फॉर्म है SHE, ठीक है, वैसे ही हम क्या करेंगे, EMI कैलोमल इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, और बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल सिमिलर वे में हम डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। EMF ऑफ द सेल का फॉर्मूला वही रहेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन टेक प्लेस, ठीक है। वही EMF ऑफ द सेल क्या रहेगा, कि जितना पोटेंशियल हमें एनोड पे मिल रहा है प्लस जितना पोटेंशियल हमें कैथोड पे मिल रहा है। इलेक्ट्रोड पे यानी जिस पे ऑक्सीडेशन हो रही हो वो एनोड, जिस पे रिडक्शन हो रही हो वो कैथोड, ठीक है। देखो अब हम क्या करते हैं, अब हम सिमिलरली जैसे हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करके निकाला था, अब हम क्या करेंगे, कैलोमल इलेक्ट्रोड को यूज करके डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले हमने कौन सी ली, जिंक की इलेक्ट्रोड ली, ठीक है, जिंक की इलेक्ट्रोड ली। वही देखो Zn का सॉल्यूशन लिया, 1 ml, उसमें Zn रोड डिप कर दी। उसके पैरेलल में अब हमने क्या सेटअप करा है, कैलोमर इलेक्ट्रोड। अच्छा देखो कैलोमर इलेक्ट्रोड की दो कंस्ट्रक्शन थी, ये हमने कौन सी वाली यूज करी है, जो हमने बोटल टाइप कंटेनर में प्रिपेयर करी थी, याद है। यस मैम, यस मैम, सिमिलरली हमने सॉल्ट ब्रिज यूज करके दोनों को ऐड कर दिया, बिल्कुल सेम कंस्ट्रक्शन है, वही नीचे Hg, उसके ऊपर Hg2Cl2 का पेस्ट यानी मरकस क्लोराइड का पेस्ट, 1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन, प्लेटिनम ब्लैक की वायर जा रही है, फिर कॉपर वायर, ऊपर से इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट दे रही है। अब जब हमने देखा तो हमें करंट की डायरेक्शन से पता चला कि Zn पे आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और मरकरी वाली इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, रिडक्शन। आप एनोड और कैथोड दोनों की रिएक्शन लिख सकते हो, आपने लिख दी। अब आप क्या करोगे, आपको डायरेक्शन पता चल गई कि भाई करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो आपके इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अब आपको पता चल, यानी इस पे रिडक्शन, इस पे ऑक्सीडेशन। अब आप क्या करोगे, यहाँ से EMF नोट करोगे, आपने EMF नोट किया, कितना आया, 1.083 वोल्ट। अब आपको क्या पता है EMF ऑफ द सेल किसके इक्वल होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द जिंक इलेक्ट्रोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है। ऑक्सीडेशन आपने नोट कर लिया, ऑक्सीडेशन आपको निकालना है, आपने ऑक्सीडेशन रख दिया, ठीक है। EMF ऑफ द सेल की जगह EMF की वैल्यू रख दी, ये कितनी आई थी, 1.083 रख दी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें निकालना है। अच्छा अब की बार जब हम रिडक्शन पोटेंशियल, जब हम SHE अगर यहाँ यूज करते तो रिडक्शन पोटेंशियल को हम क्या करते, डायरेक्टली जीरो पुट कर देते, लेकिन अब कैलोमल के केस में हम जीरो पुट नहीं कर सकते, हम क्या पुट करेंगे, 0.280। इसकी एक अपनी वैल्यू है, देखो हमने यहाँ से वैल्यू ली है,
नॉर्मल का है ना 0.28 वोल्ट, तो हमने क्या किया वो वैल्यू पुट कर दी। अब ये एक इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन से आप आसानी से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करोगे, इसको यहाँ ले जाओगे तो 1.083 में से माइनस करोगे, तो यानी आपका जिंक इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आई, 0.803 वोल्ट। आया समझ में? यस मैम। मैम हाँ मैम, जी। जो जिसका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है और कैलोमल इलेक्ट्रोड होता है, इसमें से ज्यादा प्रिसाइज कौन सा है? कैलोमल इलेक्ट्रोड है ओके मैम। ज्यादा प्रिसाइज, कैलोमल इलेक्ट्रोड है क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस इलेक्ट्रोड है, तो उसकी थोड़ी सी कंडीशंस को हमें हैंडल करना हमारे लिए टिपिकल होता है। क्योंकि देखो, गैस आपने कंटेनर बनाया, गैस लीक हो गई, या आपने थोड़े दिनों बाद उसको यूज किया, तो मे बी उसके गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर जाए, है ना, टाइम के साथ कंसेंट्रेशन चेंज हो जाए उसके सॉल्यूशन में, तो उसे कर पाना, मैनेज कर पाना थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो उसकी सेचुरेशन जो उसकी स्टैंडर्ड वैल्यूज है, वो स्टैंडर्ड वैल्यूज एग्जैक्टली एब्सोल्यूटली है या नहीं है, वो हम 100% श्योरिटी से नहीं कर सकते। लेकिन कैलोमल इलेक्ट्रोड में तो हम सारा लिक्विड यूज करते हैं, तो इसकी उसके कंपैरिजन में हम ज्यादा प्रिसाइज हो जाते हैं इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है। अब आपका देखो, हम ऐसे ही कॉपर इलेक्ट्रोड का निकाल लेंगे। अब कॉपर इलेक्ट्रोड का भी निकालने के लिए वही बिल्कुल सिमिलर मेथड लेके चलेंगे। आपने क्या किया, सेल बनाओगे कॉपर इलेक्ट्रोड की और कैलोमर इलेक्ट्रोड की। ठीक है, आपको पता है आपने क्या किया, ईएमएफ नोट कर लिया सेल का, कितना आया, 0.01 वोल्ट। फिर आपने देखी कि करंट की डायरेक्शन कहाँ है। देखो, ये आपने क्या किया, कैलोमल इलेक्ट्रोड कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है, दोनों को अटैच कर दिया, सेल बना दिया, आप सबको अच्छे से पता है। आपने डायरेक्शन देखी, यहाँ कैलोमल इलेक्ट्रोड की साइड है, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे होंगे। अब आपको ईएमएफ का फॉर्मूला पता ही है, ईएमएफ ऑफ द सेल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द कैलोमल इलेक्ट्रोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कॉपर इलेक्ट्रोड। कैलोमल इलेक्ट्रोड अब की बार एनोड है ना, देखो ये एनोड कैथोड, दोनों का आपको क्या करना है, सिर्फ ऐड करना है। अब देखो, ईएमएफ आपको पता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैलोमल इलेक्ट्रोड, हमें क्या पता है, रिडक्शन पोटेंशियल पता है कैलोमल इलेक्ट्रोड का वन नॉर्मल केसीएल सॉल्यूशन के लिए, है ना, वो कितना था, 0.280। अगर अब मुझे उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए तो मैं क्या करूं, उसके आगे माइनस लगा दूं। देखो, मैंने वही किया, यानी मेरे पास रिडक्शन पोटेंशियल था, लेकिन मुझे यहाँ रखना क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो नेगेटिव साइन से मैंने चेंज कर दिया। अच्छा, और क्या यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड चाहिए, जिस कॉपर की इलेक्ट्रोड की, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कॉपर इलेक्ट्रोड किसके इक्वल हो जाएगा, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा प्लस का, कितना आ जाएगा, 0.298 वोल्ट। आया समझ में? यस मैम। यस मैम। तो देखो, ये थे हमारे रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स को यूज कर करके हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। किसी को कुछ पूछना नो मैम। है? ओके, तो देखो, आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज। ठीक है, ये आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, और आपने मैम ये पहले भी, जो केलोमल हाँ हाँ पूछो। मैम ये जो केलोमल इलेक्ट्रोड का हमने जो पोटेंशियल निकाला था हाँ। 0.288, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में निकाला था क्या? हाँ, इसकी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है बाय एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन पे, टेम्परेचर पे हमने ले लेके निकाल रखी है अलग अलग जगह, तो हमने इस पे बहुत अच्छे से वर्क करके इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है। ठीक है, यस मैम। देखो नेक्स्ट आपकी आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये आपने पहले भी पढ़ी है ना। ये देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो आप लोगों को पता है कि क्या होती है ना, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका पार्ट है कि आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करो। क्यों? क्योंकि देखो, इसकी हेल्प से आप बहुत सारी और चीजें भी स्टडी कर सकते हो। देखो, ऐसे क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आपने डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लिए, ठीक
डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के, मैं जितने भी बन सकते। फिर आपने क्या किया, उन सब के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नोट करे। ठीक है, भाई हमने सेल बनाया होगा तो किसी इलेक्ट्रोड पर कहीं ऑक्सीडेशन हो रही होगी, कहीं रिडक्शन हो रही होगी, लेकिन फिर हमने क्या करा, साइन वगैरह चेंज करके सबके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिए। उन्हें हमने क्या किया, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया। ठीक है, हमने क्या किया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने उन्हें अरेंज कर दिया, और जो ये एक सीरीज बनी, हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो, जब हमने डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने स्टार्ट किए, तो कुछ का हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया होगा, कुछ का रिडक्शन पोटेंशियल आया होगा। अब ऑक्सीडेशन को कुछ को रिडक्शन को एज सच कंपेयर करना तो मुश्किल हो जाएगा, तो हमने क्या किया, सबका एक ही नोट कर लिया, क्या, रिडक्शन पोटेंशियल। जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकला होगा उसका हमने क्या किया होगा, उसके आगे माइनस साइन लगाया और उसे रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कर दिया, और फिर उन्हें अरेंज कर दिया। देखो, अब ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बन गई। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल है वो है लिथियम का, कितना है, -3.05 वोल्ट। सबसे हाईएस्ट कितना है, फ्लोरीन का 2.85 वोल्ट। ठीक है, वैसे भी आप समझ गए कि लिथियम तो मेटल है, उसका तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर है, उसको ऑक्सीडेशन होगी तो ऑब्वियसली उसका सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा। फ्लोरीन सबसे नेगेटिव है, उसका सबसे हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल होगा। हाइड्रोजन का हमें बीच में पता ही है, जीरो है। अब आपके एग्जाम, वैसे तो देखो टीचर्स ऐसे कहते रहते हैं कि ये लर्न ना हो, थोड़ा सा आइडिया हो तो उससे काम चल जाता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि आपको ये सीरीज लर्न होनी चाहिए। अगर आपको ये सीरीज लर्न है ना, तो आपकी बहुत 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 हेल्प होगी। कैसे, आप सेल को देखते ही ये बता दोगे कि किस पे ऑक्सीडेशन होगी, किस पे रिडक्शन होगी। ठीक है, आपको एक्सपेरिमेंटली जाकर करंट की डायरेक्शन नोट करने की जरूरत ही नहीं है। आपका यहाँ सेल बना हुआ है दो का, ठीक है, जैसे जिंक और कॉपर का है, अगर आपको ऑक्सीडेशन, आपको ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता है, तो आप ये बता दोगे किस पे ऑक्सीडेशन होगी, किस पे रिडक्शन होगा। कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको, अगर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लर्न हो तो आप बता सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने क्या कहा, सिंपली मैं कह रही हूँ कि मैं एक सेल बना रही हूँ। देखो कैसे मैं आपको कह रही हूँ कि आपको पता चल जाएगा, मैंने एक सेल बनाया, मैंने यहाँ लिया जिंक, यहाँ लिया कॉपर, मान लो ये मैंने सेल बना दिया, ये मेरी जिंक की इलेक्ट्रोड है ZnSO4 सॉल्यूशन में, ठीक है, दूसरी मेरी कॉपर की है, कॉपर SO4 सॉल्यूशन में, समझ गए। अब मैं आपसे पूछूं, आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, आपको सिंपली बताना है किस में ऑक्सीडेशन होगी, किस में रिडक्शन होगी। तो देखो आप कैसे देखोगे, रिडक्शन किसकी होगी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा इन दोनों में से, है ना, रिडक्शन तो उसी पे होगी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, और ऑक्सीडेशन किस पे होगी, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। यानी हमें एक चीज देखनी है, हम रिडक्शन पोटेंशियल देख लेते हैं, हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिडक्शन पोटेंशियल की तरह अरेंज है, तो जिंक का ज्यादा है या कॉपर का है। अब इसमें आप देखो, जिंक यहाँ है, कॉपर यहाँ है, तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, जिंक कॉपर का का, मैम, यानी कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो दैट मीन्स क्या हुआ, कॉपर पे हो गई आपकी रिडक्शन और जिंक पे क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। देखा मुझे, अब मुझे बताओ कोई एक्सपेरिमेंट जाके करना पड़ा नहीं, तो आप सिंपली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को लर्न करो और आप क्या कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, इसकी और भी एप्लीकेशंस हैं, वो हम इसके एप्लीकेशन पार्ट में याद करेंगे, लेकिन अब मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है, इसको लर्न करने की, थोड़ा ध्यान से सुनना। एक जैसे हमने पीरियोडिक टेबल लर्न करने की ट्रिक्स बना रखी है ना, मैंने इसको लर्न करने की ट्रिक बना रखी है। देखो आपको क्या करना है, फर्स्ट फर्स्ट वर्ड यूज करना है और उससे आपको ये लर्न करना है। देखो, लेके, ले के, 12, सरदार का नाम मांगे, ठीक है, लेके 12, सरदार का नाम मांगे, अली महान जान कर फेंके सीढ़ी कोई। ठीक है, यागी लाइन समझ में, दो लाइन आपको, नीचे सुनो प्रभात है क्यों आई आगे, होंगे पंडित ब्रह्मानंद और कलावती सोना
लाइफ ही में। देखो AU क्या होता है आपका, गोल्ड होता है ना, गोल्ड का सिंबल है, तो सोना लाई फ्री में, ठीक है। आप इसको 2-3 बार रोज दिन में पढ़ना, आपको 1 वीक में लर्न भी हो जाएगी। देखो मुझे कितनी आसानी से लर्न है ना, तो आप लोगों को भी हो जाएगी। आप लोग ऐसे ट्रिक्स बना बना के इसको लर्न करना, लेकिन इसको लर्न जरूर करना, ठीक है। एक बार दोबारा रिपीट करूं, यस मैम, लेके यस मैम, बारह सरदार का नाम मांगे, अली महान जान कर फेंके सीढ़ी कोई, नीचे सुनो प्रभात है क्यों आई आगे, होंगे पंडित ब्रह्मानंद और कलावती सोना लाई फ्री में। मैम एक बार फिर बोल दो। हाँ फिर बोल देती हूँ, कोई बात नहीं। देखो ले लेके लेके 12 सरदार का नाम मांगे, लेके 12 सरदार का नाम मांगे, अली महान जान कर फेंके सीढ़ी कोई, नीचे सुनो प्रभात है क्यों आई आगे, होंगे पंडित ब्रह्मानंद और कलावती सोना लाई फ्री में, ठीक है। कर लोगे लाना अभी से? हाँ आ गया अब आप लोगों को अच्छे से? थर्ड मैम थर्ड वाले का बता दो फिर से। यस मैम, वाले का बता दूं? देखो यस नीचे सुनो प्रभात है, नोट कर रहे हो आप सब? चलो मैम, यस नोट मैम, करो। हाँ नोट करवा देती हूँ मैं। देखो नीचे सुनो प्रभात है, क्यों आई आगे, नीचे सुनो प्रभात है क्यों आई आगे। कर ली थर्ड सीरीज नोट? यस मैम, तो देखो होंगे पंडित ब्रह्मानंद और कलावती, होंगे पंडित ब्रह्मानंद और कलावती सोना लाई फ्री में, होंगे पंडित ब्रह्मानंद और कलावती सोना लाई फ्री में। एक बार दोबारा से रिपीट कर यस लेती हूँ, आप लोग टैली भी कर लो। लेके 12 सरदार का नाम मांगे, अली महान जान कर फेंके सीढ़ी कोई, नीचे सुनो प्रभात है क्यों आई आगे, होंगे पंडित ब्रह्मानंद और कलावती सोना लाई फ्री में। कर लिया सबने नोट? यस मैम, ओके तो अब इसको दिन में 2-4 बार पढ़ते रहना, गाते रहना है गाना, जैसे पीरियोडिक टेबल लर्न होगी है ये भी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि फिर ये आपकी बहुत हेल्प करेगी, कुछ टिपिकल टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आप कंफ्यूज हो जाते हो, ये आपको लर्न होगी ना तो इजीली आपकी सॉल्व हो जाएगी। देखो अब हमें देखनी है कि आपने जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने आपको इतना कहा लर्न करने के लिए, इसकी देखो क्या क्या एप्लीकेशन है। सबसे पहला है कि आप प्रिडिक्ट करते हो कि ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है
किसी इलेक्ट्रोड पे। भाई आपने एक सेल बनाया, ठीक है, अब आप आराम से इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से क्या कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपके किस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगी। कैसे प्रिडिक्ट करोगे? अगर आपका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, देखो आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन है, यहाँ जीरो है, तो इन सब का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? नेगेटिव। उसके बाद हाइड्रोजन से लेके फ्लोरीन तक का क्या है? पॉजिटिव। तो जिनका पॉजिटिव है इसका क्या मतलब हुआ कि जितना ज्यादा पॉजिटिव आपका रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ही मोर इजिली आपका सब्सटेंस क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। इसका क्या मतलब होगा कि मोस्ट वो क्या बनेगा आपका? फ्लोरीन मैम, क्लोरीन आपका मोस्ट रिड्यूस हो जाएगा, है ना, सबसे जल्दी वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी उसकी बनेगी हमेशा कैथोड। अब देखो आपको याद हो जब मैंने आपको बताया था कि जब हम ऑक्सीडेशन एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं ना, तो इसका क्या मतलब होता है? ये इसका रिवर्स होता है। अगर मैं कह रही हूँ कि कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका मतलब उस पे क्या हो रहा होगा? खुद पे रिडक्शन हो रहा होगा। मैंने बताया ना, एजेंट हमेशा दूसरों के लिए काम करते हैं, अपने लिए नहीं करते। वो कंपनी के एजेंट होते हैं तो हमेशा किसका फायदा सोचते हैं? कंपनी का फायदा सोचते हैं, है ना। ऐसे ही आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एजेंट है। जैसे अब मैंने कहा कि आपने कहा कि फ्लोरीन पे सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया, तो फ्लोरीन कैसा हो गया? एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और लिथियम की देखो रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, सबसे नेगेटिव में भी है ना, सबसे नेगेटिव है उसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो वो क्या होगा उस पे? क्या होएगा उस पे? होगा आपका ऑक्सीडेशन। इसलिए वो क्या होगा? वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, होगा एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो कैसा होगा? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आया समझ में कैसे हेल्प करता है? यस देखो मैम, नेक्स्ट आपका आता है कि आप रिएक्शंस प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे अगर आपने मेटल लिया और उसपे एसिड से उसे रिएक्ट कराया, तो आप प्रिडिक्ट करके बता सकते हो कि वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ठीक है, कैसे होती है? अगर मेटल पे मान लो आपने मेटल लिया, उसमें एसिड ऐड किया, एसिड कौन सा ऐड कर सकते हो? H2SO4, HCl, है ना, ये आपने एसिड ऐड कर दिए, तो क्या होगा? मेटल पॉजिटिव स्टेट में चला जाएगा। आपने जैसे मान लो आपने HCl लिया, ठीक है, और आपने क्या किया? सोडियम मेटल ले लिया, तो क्या बना लेगा? NaCl प्लस हाफ H2O गैस रिलीज हो जाएगी। तो देखो मेटल पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। मेटल मेटल पॉजिटिव आयन में जा रहा है, और हाइड्रोजन क्या क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो मेटल की टेंडेंसी होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करे, किसके विद रिस्पेक्ट में? हाइड्रोजन के। तभी क्या करेगा वो? एसिड के साथ रिएक्ट कर पाएगा और क्या दे पाएगा? हाइड्रोजन गैस। अब यानी क्या, इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपकी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें हाइड्रोजन से नीचे वाले जितने भी मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि देखो हमें हाइड्रोजन आयन्स का क्या कराना है? रिडक्शन कराना है। तो दैट मीन्स उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, बाकी सबका उससे कंपैरिजन में कम होना चाहिए, बाकी सब मेटल्स का। अब आपको पता है हाइड्रोजन का क्या है? जीरो। तो यानी ये जितने भी मेटल एटम्स हैं जो हाइड्रोजन से नीचे थे, ये सब एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या देंगे आपको? हाइड्रोजन गैस देंगे। जबकि जितने भी ये जो ऊपर वाले हैं ना, आप इनको HCl के साथ रिएक्ट कराओ, ये आपको रिएक्शन नहीं देंगे, ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेंगे। यानी अब आप सोचो सिल्वर को आप HCl के साथ ट्रीट कराओ तो आप क्या बना देते? सिल्वर क्लोराइड। लेकिन अब आपको क्या पता है कि सिल्वर क्लोराइड तो बनेगा ही नहीं, H2 गैस नहीं रिलीज होगी, तो दैट मीन्स ये रिएक्शंस नहीं होंगी, सिर्फ हाइड्रोजन से जो नीचे नीचे एलिमेंट्स हैं सिर्फ उनकी होगी। समझ में आए? यस मैम, तो देखा आज हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की दो एप्लीकेशन कर ली है, ठीक है। अब इसकी दो एप्लीकेशंस और बची हुई हैं, वो मैं आपकी कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। समझ में आए आज के टॉपिक्स? यस मैम, यस मैम, अटेंडेंस सेंड कर दी सबने? यस मैम।